नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम लास्ट लेक्चर ले रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में और 4 मार्क्स में आते ही हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल्स देख लिए थे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें। उससे पहले मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ जिसका नाम है पाइथागोरियन ट्रिपल्स। आपको पता है पाइथागोरियन ट्रिपल्स, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लिया, बराबर है। मान लेते हैं हमारे पास ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है। इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको हम बोलते हैं साइड वन और इसको हम बोलते हैं साइड टू। ठीक है, अब आपको समझना ये है कि आपको ये तो पता है कि भाई ये जो पहला 3 4 5 है, तो ये जो हमेशा 5 होगा, दैट इज बड़ा वाला, वो हमेशा हाइपोटेनियस होगा। ये साइड वन और ये होगा साइड टू। ठीक है बेटा, ये जो हमेशा बड़ा वाला होगा वो हाइपोटेनियस, ये साइड वन और ये साइड टू। तो या इसको साइड वन साइड टू मान लो। मतलब 3 4 5 बोला हो तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, चेक करो, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 25। तो ये हुआ 5 का स्क्वायर। बस यही मैं समझाना चाहता हूँ। मतलब 3 4 5 5 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41, ये याद रख लेना, क्योंकि एमसीक्यू में सीधा आएगा कि भाई इनमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपल्स नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो क्या करोगे? इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अच्छे से याद रख लेना। डन बेटा, पक्का आगे बढ़े? श्योर, ठीक है। जैसे देखो पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या बोला उन्होंने, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स, इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब देखो सबसे पहला ही कौन सा है, 7 27 24 एंड 25 सेंटीमीटर। यस, दे आर पाइथागोरियन ट्रिपल्स, सो देयरफॉर दे फॉर्म, क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। और इसमें हाइपोटेनियस कौन सा होगा, तो जो सबसे बड़ा होगा वो हाइपोटेनियस कौन सा हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। चलो दूसरा बात करें, 386, ये नहीं हो सकता, 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और बड़ा 8 सेंटीमीटर लास्ट में लिखने का। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 एंड 9 45 और 8 का स्क्वायर 64, ये नहीं हो सकता। नो, दे आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपल्स, हेंस दे डू नॉट फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल। आगे समझ में? तीसरा, 50 80 100 50 का स्क्वायर 2500, 80 का स्क्वायर 6400, दोनों को ऐड करोगे तो 8900 आता है, 100 तो होगा नहीं, तो तीसरा भी क्या होगा, 50 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। दे आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपल्स, hence they do not form right angle triangle। और चौथा क्या है बेटा, चौथा है 13 12 5। तो हम सबसे पहला छोटा लिखते हैं 5, फिर 12 और ये 13। तो आपको पता हो तो यस, दे फॉर्म पाइथागोरियन ट्रिपल्स एंड दे फॉर्म नहीं दे आर हाँ दे फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल। वो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई इसका हाइपोटेनियस कौन सा होगा, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस होगी। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। बात हो गई खत्म, इजी, पक्का आगे बढ़े? श्योर आगे बढ़े?
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ना, वो हमने ऑलरेडी सीख लिए हैं, पहले से ही मैंने आपको सिखा के रख दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका हम अगर ट्राइंगल बना लेते हैं, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है ट्राइंगल पी क्यू आर इज ट्राइंगल राइट एंगल एट पी, राइट एंगल एट पी। तो इसको मैं क्यू मान लेता हूँ, इसको आर मान लेता हूँ। पी एम इज अ पॉइंट, एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, एम क्यू आर पे पॉइंट है, सच दैट ये भैया एम हो जाएगा, सच दैट पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, शो दैट। अब देखो हमारे पास गिवन पार्ट क्या है, हमारे पास गिवन है कि भैया पी क्यू आर इज ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट पी, एंड दूसरा गिवन है पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, बस ये इतना गिवन। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है PM square is equal to QM into MR. अब सुनिएगा बेटा, PM square is equal to QM into MR. बहुत ही बढ़िया टाइप ये क्वेश्चन है प्रूफ की तरफ। सिंस हम क्या बोल सकते हैं, एंगल P is equal to 90 degree and PM is perpendicular to QR. देखो एंगल P is 90 degree, PM is perpendicular to QR. तो therefore क्या बोल सकते हैं, पहले ये छोटू ट्राइंगल, छोटू ट्राइंगल आपको पता है हम कैसे जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। अब बोलेगा सर ऐसे किसमें कैसे पता चलेगा नीचे से ऊपर, तो ऐसा उसको कन्वर्ट कर दो, ये आपका P, सॉरी P यहाँ पे, ये आपका क्या हो जाएगा Q, ये आपका R हो जाएगा, ये आपका पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो आपको पता है ना ऐसे जाने का और ऐसे जाने का, या इधर इसको R मान लो और इसको Q मान लो, ठीक है ना, R Q और P ऐसे, ये 90 डिग्री। मैंने आपको याद रखने का तरीका क्या बताया था बेटा, इधर से ऊपर जाने का मतलब कौन सा ट्राइंगल होगा, ये आपका R है, ये आपका P है और ये आपका Q है, तो इसको आप ऐसे ऊपर जाने का बोल दो, ठीक है, और इधर से ऐसे जाना। मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्राइंगल आर एम पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर पी क्यू, आर आर कॉमन, एम 90 और पी 90, बाय वॉट क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया, हमें इसको नंबर वन ले देना है। ऑल्सो क्या बोल सकते हैं, दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा, ऊपर से नीचे जाना है, क्या नाम लिखेंगे, पी एम क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर पी क्यू, वापिस वही क्या आ जाएगा बेटा, आर आर, ए ए क्राइटेरिया, इसको भी हम नंबर टू नाम दे देंगे। सो फ्रॉम वन एंड टू क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम वन एंड टू आप चाहे तो इसका सीधा भी आप लिख सकते हो भाई, ये जिसको पता चल गया कि क्या लिख सकते हो, ट्राइंगल आर एम पी सिमिलर टू ट्राइंगल पी एम क्यू, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं आपस में, ये इसके सिमिलर, ये इसके सिमिलर, ये दोनों सेम, तो आपस में ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, तो देयरफॉर आर एम बाय, चेक कर लो, आर एम बाय पी एम इज इक्वल टू एम पी बाय एम क्यू, आर एम बाय पी एम इज इक्वल टू एम पी बाय एम क्यू, हमें इसकी जरूरत है। अब हमें देखो यहाँ पे क्या प्रूव करना है बेटा, पी एम स्क्वायर प्रूव करना है इज इक्वल टू क्यू एम इनटू एम आर, तो आर एम बाय पी एम, ये एम पी को मैं पी एम लिख सकता हूँ, एम क्यू को मैं क्यू एम लिख सकता हूँ, तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इनटू एम आर। अब मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता दूं, एमसीक्यू में अगर आपको आया तो काम आ जाए। मान लो ये 90 डिग्री है, बराबर है, डायग्राम ऐसे ही दिए रहेंगे 90 डिग्री वाले, ये 90 डिग्री है, ये 90 है, ये मेरा है ए बी और सी, सुनिएगा, और ये उसका डी है। अगर आप सबसे पहले, ये खत्म हो गया क्वेश्चन, ये एक्स्ट्रा पार्ट है आपको समझाने के लिए। देखो मान लो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, सी डी बी, ट्राइंगल सी डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ए, इसको ए नाम दे, ए बी सी, हाँ, ट्राइंगल ए टी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। जब ये छोटू ट्राइंगल, ये वाला छोटू ट्राइंगल बड़े से सिमिलर होगा, तो ये छोटू ट्राइंगल के बाजू में, ये छोटू ट्राइंगल है ना हाइपोटेनस के बाजू में कौन सी साइड है, ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनस में कौन सा पार्ट है, ए डी है, ए डी इंटू क्या बोल सकते हैं, पूरा पार्ट ए सी। अब ये हमने ट्राई भी किया है,
आपको नहीं पर आगे आएगा, इसलिए मैं आपको पहले से बता दूं, तैयार कर दूं कि भैया जब ये ट्राइंगल आप देख रहे हो ना बेटा, ये ट्राइंगल, जब ये पर्टिकुलर ट्राइंगल की बात करें, बड़े ट्राइंगल से, ये ट्राइंगल में मेन ट्राइंगल की कौन सी साइड है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का कौन सा पार्ट है, ए डी इंटू होल पार्ट ए सी, समझ में आया। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा, दूसरा ट्राइंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, तो बी डी सी में ट्राइंगल की कौन सी साइड है, बी सी स्क्वायर, ये हमने एग्जाम्पल में भी देख लिया है, ऐसा ही क्वेश्चन था, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद जो हाइपोटेनस की साइड कौन सी है, सी डी इंटू ए सी, और तीसरा जब ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे, ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी, ए डी बी इज सिमिलर टू बी डी सी, ए डी बी इज सिमिलर टू बी डी सी, मतलब ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भैया जो बीच वाला पार्ट है बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी, ए डी इंटू डी सी हाइपोटेनस के दो पार्ट, ये तीन प्रूफ्स हैं। आप चाहो तो देखो ए डी बाई ए बी इजिकल टू डी बी बाई बी सी इजिकल टू ए बी बाई ए सी करके प्रूव कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पहले से याद रख लोगे तो आपको काम आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखो यहाँ पे वही करना है, मैंने पहले ही बता दिया, देखो अभी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी मतलब पूरा पार्ट, फिर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी वाला पार्ट, फिर क्या ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू बी डी वाला पार्ट, वही का वही करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, गिवन दैट, गिवन क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, गिवन दैट करके लिखना है, तो देयर फोर अच्छे से लिख लेते हैं, आपको फिर दिक्कत ना हो, एंगल ए इज इक्वल 90 डिग्री ए सी इज परपेंडिकुलर बी डी, देयर फोर हम क्या बोल सकते हैं, therefore सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है, तो मतलब ये छोटू ट्राइंगल कहाँ से नाम स्टार्ट होगा, नामकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बी सी ए क्या होगा बेटा, बी सी ए इज सिमिलर टू क्या होगा, बी ए डी, क्योंकि बड़ा ट्राइंगल तो बी ए डी हो गया ना, अब लोग सर ए बी डी, हाँ बात सही है, बट ए 90 है, इसमें सी 90 और इसमें ए 90 है, बाय वॉट क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया, तो therefore मैं क्या बोल सकता हूँ, बी सी बाय बी ए इज इक्वल टू सी ए बाय ए डी इज इक्वल टू बी ए बाय बी डी। अब देखो मुझे ए बी स्क्वायर चाहिए, तो बी ए और बी ए मतलब फर्स्ट और लास्ट लूंगा, बी सी को मैं लिख सकता हूँ, बी सी को मैं बी सी लिखूंगा, क्वेश्चन में बी सी है, बी ए की जगह मैं ए बी लिखूंगा, इधर मैं बी ए की जगह ए बी लिखूंगा और इधर लिखूंगा बी डी, बी डी ऊपर जाएगा, ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ, देखो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब मैं सबसे पहले फिर सेकंड पार्ट प्रूफ करूंगा, सेकंड पार्ट में क्या आएगा, देखो ए सी स्क्वायर चाहिए मतलब बीच वाला पार्ट चाहिए, मतलब ये दोनों ट्राइंगल छोटू ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए, कैसे नाम याद रखोगे, अगर ये ऐसे जा रहा है तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, बी सी ए सिमिलर टू ए सी डी, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, ऑल्सो ट्राइंगल बी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी डी, बी सी ए और ए सी डी, ठीक है, क्या लिख सकते हैं इधर, बी सी बाय ए सी इज इक्वल टू सी ए बाय सी डी इज इक्वल टू बी ए बाय ए डी, हमें इसकी जरूरत ही नहीं, हमें सी ए और ए सी चाहिए, मतलब ये पहला और दूसरा चाहिए, बी सी एज इट इज ए सी एज इट इज, मैं क्या प्रूव करना, सी डी एंड डी सी, डी सी चाहिए तो सी ए को मैं ए सी लिखूंगा और सी डी को मैं डी सी लिखूंगा, ये सी ए सी ऊपर तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर, ये डी सी ऊपर तो ये क्या हो जाएगा बी सी इंटू डी सी, हो गया प्रूफ। और जब तीसरा हमें फाइंड करना है तीसरा ट्राइंगल, तो तीसरा ट्राइंगल बेटा आपको हमने बहुत बहुत देखे हैं, इसलिए आप ये छोटा ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल ए सी डी किसके सिमिलर होगा, ए सी डी किसके सिमिलर होगा, बी ए डी के, क्योंकि सी 90 ए 90 डी डी कॉमन, तो ए सी डी क्या लिख सकते हो, ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए डी, तो क्या लिखोगे, ए सी बाय बी ए इज इक्वल टू सी डी बाय ए डी इज इक्वल टू ए डी बाय बी डी, ठीक है, ए सी बाय, अभी देखो हमें चाहिए क्या, हमने देखो इसको कट मार दिया, अब किसको कट मार देंगे, फर्स्ट को कट मार देंगे, सी डी बाय ए डी इज इक्वल टू ए डी बाय बी डी, देयरफॉर ए डी इंटू ए डी क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, हो गई बात, ए डी इंटू ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू बी डी, बात हो गई खत्म।
ए प्रूव करना था, चेक कर लो, ए डी स्क्वायर बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी हो गया। इजी बेटा, अब थोड़े और इजी इजी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अब देखो सबसे पहला ये क्वेश्चन, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, आइसो क्या स्पेलिंग है, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल एट सी। तो अब देखो सी उसका 90 डिग्री है, ये सी एस 90 डिग्री है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, क्या बोल सकता हूँ, ए सी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि हाइपोटेनस बड़ा होगा ना, ये देख लो ना बेटा, ये सी है, ये ए है, ये बी है, तो ये तो किसी के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये ए सी और बी सी यही दोनों आपस में इक्वल होंगे ना। समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया कि भाई मैंने ये क्यों लिया, डन। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए सी स्क्वायर। मान लो आपको नहीं पता चला तो आपके लिए मैं डायग्राम पहले से बना लूँ, बस बनाने की जरूरत नहीं है, बट आप जिनको नहीं पता चला उनके लिए स्पेशल डायग्राम, ये दोनों इक्वल। अब ठीक है, प्रूफ की तरफ हम आगे बढ़ते हुए, प्रूफ की तरफ, तो ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल सकते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो ये ए सी मैं एज इट इज रखूंगा, इस बी सी की जगह पे बी सी हमारे किसके इक्वल है, ए सी स्क्वायर, बिकॉज बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या हो गया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए सी स्क्वायर, बात हो गई ना, इतना सिंपल, लिख लिया। फिफ्थ उसका उल्टा, फिफ्थ उसका उल्टा, यहाँ पे क्या बोला, ए बी सी इज आइसोसेलेस राइट एंगल विद गिवन ए सी इज इक्वल टू बी सी, ओके, और सो क्या गिवन है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए सी स्क्वायर। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी इज राइट ट्राइंगल। प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हुए, यहाँ पे देखो वहां पे हमने पाइथागोरस यूज किया था, यहाँ पे उल्टा प्रूव करना है, मतलब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस यूज करेंगे। तो गिवन दैट हमारे पास क्या गिवन है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए सी स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टू ए सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, एक ए सी को मैं एज इट इज रख ले रहा हूँ, दूसरे ए सी की जगह पे मैं क्या बोल सकता हूँ, बी सी स्क्वायर, क्यों, बिकॉज ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, कि अगर ये कंडीशन सही हो, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कि भैया ये कंडीशन गिवन हो, याद करो पाइथागोरस में गिवन क्या होता है, बी 90, तो हाइपोटेनस वाला प्रूव करना है, और कन्वर्स में क्या, हाइपोटेनस वाला गिवन है, तो बी या सी या कोई भी एंगल 90 होगा। तो यहाँ पे देखो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस क्या हो गया, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, हाइपोटेनस ए बी हुआ, तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ए बी हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस के सामने ही एंगल 90 होगा। तो ये भी बात आप याद रख सकते हो बेटा, अगर बी सी स्क्वायर अगर हाइपोटेनस होता तो कौन सा 90 होता, ए, मान लो ए सी स्क्वायर 90 होता तो कौन सा ए सी स्क्वायर राइट एंगल, सॉरी हाइपोटेनस होता तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता, बी होता। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको समझनी है, ठीक है बेटा, पक्का, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 है, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 है। तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल डाल देते हैं,
क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड किसे बोलेंगे बेटा, अल्टीट्यूड हम बोलते हैं इसको, देखो अल्टीट्यूड बोलेंगे, ये आपकी होगी अल्टीट्यूड, ठीक है। ओके, अब ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड मतलब ये भी अल्टीट्यूड है, दूसरी अल्टीट्यूड देखो यहां से ऐसे बनेगी, ये दूसरी अल्टीट्यूड है, ऐसी तीसरी भी अल्टीट्यूड बनेगी, तो देखो ये तीनों के तीन अल्टीट्यूड है। क्यों अल्टीट्यूड है बेटा, क्योंकि ये 90 बनाएगा, ये 90 बनाएगा, ये 90 बनाएगा, और सिंस इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों के तीन अल्टीट्यूड की साइज भी क्या होगी, तीनों के तीन अल्टीट्यूड की साइज भी क्या होगी, सेम होगी। गिवन दैट क्या क्या गिवन है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू टू है, गिवन। ओके, सिंस इसको मैं डी नाम दे देता हूं, ए डी इज अल्टीट्यूड ऑन बी सी। अब देखो आप ये इसको ई मान लो या इसको एफ मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी एक अल्टीट्यूड फाइंड लो तो बाकी सारी अल्टीट्यूड ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगी, इसलिए आपको सिर्फ एक ही अल्टीट्यूड फाइंड करनी है, समझ में आया? तो इसलिए मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, हम एक ही फाइंड करेंगे। ओके, सिंस ए डी इज अल्टीट्यूड ऑन बी सी, इट ऑल्सो एक्ट एज मीडियन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की अल्टीट्यूड और मीडियन दोनों सेम होंगी। ये क्या हो जाएगा ए, और ये क्या पूरा हो जाएगा टू ए, ये भी क्या है टू ए। नाउ इन ट्रायंगल कौन सा ए डी बी, क्या बोल सकता हूं मैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लगा सकते हैं बेटा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये लगा सकता हूँ। अब ए बी मेरे पास कितना है, टू ए स्क्वायर, बराबर है, क्या खुल गया, ओके बैटरी लो, ओके टू ए स्क्वायर, ए डी मुझे फाइंड करना है तो ए डी स्क्वायर, और बी डी मेरे पास क्या है ए स्क्वायर, तो टू ए का स्क्वायर होता है फोर ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर उस साइड आएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट थ्री ए स्क्वायर, तो देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू रूट थ्री है। हेंस एल्टीट्यूड्स आर ऑफ लेंथ रूट थ्री ए। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, मान लो साइड आपकी आपकी 2a है, तो एल्टीट्यूड साइड किसकी, साइड किसकी बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 2a, तो एल्टीट्यूड इज इक्वल टू रूट थ्री ए, बस ये खत्म हो गया। मैं एग्जांपल के तौर के समझाता हूँ कि मान लो साइड है 4 सेंटीमीटर, तो आपकी एल्टीट्यूड कितनी होगी, सीधा बता सकते हो, बच्चे क्या करेंगे पता है, फोर रूट थ्री लिख के आएंगे, नहीं साइड डबल है और एल्टीट्यूड आधी हो जा रही है, सिर्फ ए है टू ए नहीं है, तो एल्टीट्यूड फोर रूट थ्री नहीं होगी, एल्टीट्यूड क्या होगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको हाफ करना पड़ेगा, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू वॉट, तो अगर हम एल्टीट्यूड अपनी भाषा में लिख सकते हैं तो एल्टीट्यूड इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू साइड अपॉन टू, क्योंकि साइड टू है ना, रूट थ्री इंटू साइड अपॉन टू। एग्जाम्पल अब ले लो, साइड है 4 सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड कितनी हो जाएगी, चेक कर लो, रूट थ्री इंटू साइड कितनी है 4 अपॉन टू, मतलब क्या हो जाएगी 2 रूट थ्री सेंटीमीटर, कितना सिंपल हो गया। ये आपका एमसीक्यू में काम आएगा। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि भाई अगर 2a दे दिया तो वो 2a मतलब वो रूट थ्री है, मतलब 4 रूट थ्री लेके आएंगे, नहीं साइड 2a लिया ना हमने, साइड हमने क्या लिया है 2a लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, मैं तो बोल नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला है 2a, बट एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, रूट थ्री है, रूट थ्री है मतलब रूट थ्री साइड बाय टू,
डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, रोम्बस मतलब चारों के चार साइड्स इक्वल होती है। ये ए बी सी और डी, इधर से इसको जॉइंट करो और इधर से इसको जॉइंट करो। ये रोम्बस है, रोम्बस का पहला, और ये इसको मैं नाम दे देता हूँ ओ। अब देखो दो चीज इसमें आपको समझनी है, गिवन ए बी सी डी इज रोम्बस, That is, AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. दूसरी बात, ये बात में आगे लिखेंगे। To prove, क्या prove करना है? Sides of rhombus, sum of the square of sides, मतलब जितनी साइड है उनका स्क्वायर कर लो। AB square plus BC square plus CD square plus AD square is equal to sum of the square of diagonal, मतलब AC square plus BD, AC और BD diagonal। अब proof की तरफ आगे बढ़ते हैं। In rhombus, आपको पता होना चाहिए, 9th में आपने पढ़ा है, diagonals bisect each other। diagonal एक दूसरे को bisect करेंगे, मतलब ये equal और ये equal। तो सुनिएगा, क्या मैं AO को बोल सकता हूँ AC by 2, AO जो है वो AC by 2 हो जाएगा, और क्या मैं BO को बोल सकता हूँ BD by 2, बस ये चीज समझनी। बाइसेक्ट करें मतलब AO और OC इक्वल, मतलब AO है वो AC का आधा हो जाएगा। बाइसेक्ट करें मतलब BO और OD इक्वल, मतलब BO है वो BD का आधा हो जाएगा। ऑल्सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ऑल्सो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं तो हमारा एक साथ ही काम हो जाएगा। ईच अदर एट राइट एंगल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल। तो देयरफॉर ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इंट्राएंगल AOB, इंट्राएंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बता सकता हूँ बेटा इसमें, ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO square, AO plus BO। अब AO की जगह AC by 2 और BO की जगह BD by 2, बस ये डाल दूं? Yes sir, डाल दीजिए। AB square, AO की जगह पे AC by 2 का whole square, BO की जगह पे BD by 2 का whole square। तो AB square, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AC square by 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, BD square by 4। अब देखो दोनों में से 4 कॉमन निकलेगा, क्योंकि दोनों के डिवाइड में 4 है, सो एक की 4 आ जाएगा, 4 जाएगा ऊपर, मतलब 4 AB square is equal to AC square plus BD square। और 4 AB square को क्या लिख सकता हूँ, AB square plus BC square plus AC square, sorry AC नहीं है ना, plus CD square plus AD square is equal to AC square plus BD square। आप बोलो सर ये कहाँ से आया, 4 AB square मतलब AB plus AB plus AB plus AB, और हमने चेक कर लिया है कहाँ से आया ये, ये लिखने की जरूरत नहीं है कहाँ से है। 4 AB square हमने देखो ये ऑलरेडी चेक किया है, यहाँ पे अगर इसको आप चाहे तो नंबर 1 दे दो, AB BC CD और AD इक्वल है, यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 आया, क्योंकि 4 AB मतलब AB plus AB plus AB plus AB, दूसरे AB की जगह BC लिखा, तीसरे AB की जगह पे CD लिखा, चौथे AB की जगह पे DA लिखा। क्लियर हो गया बेटा, आगे बढ़े, डन। चलो 8th क्वेश्चन, डायग्राम गिवन है आपके पास। अब इस डायग्राम में सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और वो कंस्ट्रक्शन है ये देखो, सबसे पहले तो क्या दिया है, OD is perpendicular BC, OE is perpendicular AC, OF is perpendicular to AB। अब मैं कंस्ट्रक्शन क्या करूंगा पता है, कंस्ट्रक्शन मैं करूंगा क्या क्या पता चला, join OA, OB and OC,
क्यों? बिकॉज देखो आपको ओ ए स्क्वायर चाहिए तो डायग्राम में ओ ए तो था नहीं, अब ज्वाइन कर दिया। अब दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और वो ये है कि आपको, अब देखो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इजिकल टू ए एफ चाहिए, ए एफ चाहिए, ओ ए चाहिए, ओ ए ए एफ, ओ ओ सॉरी ओ ए और ए एफ, तो साथ में ओ एफ स्क्वायर, मतलब मैं ये वाला ट्राइंगल लूंगा, इसको मैं स्टार करके रख दूं, मैं ये वाला ट्राइंगल, उसके बाद एक जगह छोड़ के ये वाला ट्राइंगल लूंगा, उसके बाद एक जगह छोड़ के ये वाला ट्राइंगल। मैं आपको ये हिंट दे रहा हूं ताकि आपका सॉल्यूशन इजी हो जाए। कौन सा ट्राइंगल लेंगे बेटा? इन ट्राइंगल ए एफ ओ, उसके बाद बी डी ओ, उसके बाद सी ई ओ, ये ट्राइंगल लेना, तो आपका ऑटोमेटिकली फर्स्ट प्रूव हो जाएगा। अगर नहीं लोगे तो अटक जाओगे। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए एफ ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोल सकते हो? ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या बोलोगे? ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, नंबर वन। दूसरा कौन सा ट्राइंगल लोगे? दूसरा ट्राइंगल लोगे बी डी ओ, क्या बोल सकते हो? बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोल सकते हो? ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, नंबर टू। और तीसरा क्या लोगे? इन ट्राइंगल सी ई ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम, देखो ई 90 डिग्री है, तो क्या लोगे बेटा? ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई स्क्वायर, क्वेश्चन में सी ई है इसलिए सी स्क्वायर प्लस ओई स्क्वायर, नंबर थ्री। तीनों को ऐड कर दो, ऐड वन टू एंड थ्री, ऐड वन टू एंड थ्री, पहले इतना लिख लिया फिर ऐड करें। चलो लिख लिया, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए एफ बी डी सी ई, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। अब इसमें मैं ये सारे बंदे लोगों को मैं दूसरे साइड ट्रांसफर कर दूं तो क्या हो जाएगा? ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हो गया ये जो हमें फर्स्ट प्रूव करना था। हाँ सर, हो गया। अब जो हमने तीन ट्राइंगल ये लिए हैं, अब उनके अलावा अब रिमेनिंग तीन ट्राइंगल कौन से होंगे बेटा? अब रिमेनिंग तीन ट्राइंगल हो गए ये और ये, क्योंकि दूसरा पार्ट भी हमें प्रूव करना है। दूसरा पार्ट देखो, तो आप दूसरे तीन ट्राइंगल के लिए हम पाइथागोरस अप्लाई करें। सबसे पहला इन ट्राइंगल एईओ, ठीक है? नाउ इन ट्राइंगल एईओ, देखो आपके सामने एईओ, आप डायग्राम बना लो बेटा। नहीं देखो गिवन है, फिर भी डायग्राम बना देने का, बार बार पेपर में चेक करने की जरूरत नहीं पड़े। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर। अब ओ को इस साइड भेज दो, तो ओ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको मैं नंबर फोर दे रहा हूँ, इसको मैं नंबर फाइव दे रहा हूँ। अब दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेंगे बेटा? दूसरा ट्राइंगल लेंगे ओ एफ बी एफ ओ बी एफ ओ बी एफ ओ इन ट्राइंगल बी एफ ओ, क्या लिखोगे?
बाय पाइथागोरस थ्योरम। BFO क्या लिखोगे? OB square is equal to, चेक करो, OB square is equal to OF square plus BF square is equal to OF square plus BF square। तो OF को इस साइड लेके आता हूँ, OB square minus OF square is equal to BF square, नंबर सिक्स हो गया। और तीसरा और लास्ट ट्रायंगल कौन सा बचा? इन ट्रायंगल चेक कर लो बेटा, ODC CDO, तो OC square is equal to OD plus CD square, CDO in triangle CDO by Pythagoras theorem। क्या लिखेंगे? OC square is equal to OD square plus CD square, OD को इस साइड लेके आऊंगा, तो OC square minus OD square is equal to CD square, इसको मैं 7 दे दूं। 5, 6, 7 देखो, अब 4 में चेक करो तो बेटा, 4 में देखो OA और OE मिलके क्या बनाएंगे? AE। OB और OF मिलके क्या बनाएंगे? AF। और OC और OD मिलके क्या बनाएंगे? CD। ठीक है, तब हम क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम 4, देयरफॉर फ्रॉम 4 किसको किसको साथ में रखेंगे? OA माइनस OE, OA minus OE square plus OB minus OF square plus OC minus OD square is equal to, दूसरे साइड तो हमारे पास जो पड़ा है वो ही पड़ा रहने का, AF, BD और CE, AF square plus BD square plus CE square। Now from 5, 6 और 7, ये देखो 5 से मिलेगा, ये 6 से मिलेगा, ये 7 से मिलेगा, ये क्या मिलेगा हमें? ए स्क्वायर। ये क्या मिलेगा हमें? बी एफ स्क्वायर। और ये क्या मिलेगा हमें? सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हेंस प्रूव। कितना इजी था बेटा, आ गया समझ में? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ। A ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. 10 meter long ladder 8 meter above the ground. Find the distance between the foot of the ladder. उसको x मान लेते हैं। Length of ladder इसको मैं a, b और c मान लेता हूँ। Is equal to AC is equal to 10 meter. AB is equal to 8 meter और हमें BC is equal to x meter find करना। अब ऑब्वियस ही बात है कि वॉल जो होता है और वो बेस होता है वो 90 डिग्री पे होता है। सो इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम। जनरली ये सारे क्वेश्चंस है ना बेटा, अब आप एमसीक्यू में आते हैं तो 10-8 तो ये क्या होगा? 6। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद होगा तो 6-8 और 10 होते तो सीधा आप बता सकते हो, बट सिंस अगर 2 मार्क्स में है तो आपको इसी हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ए सी स्क्वायर 10 का स्क्वायर मतलब 100, ए बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, बी सी स्क्वायर, तो देयरफॉर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 उस साइड जगह 36, तो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 6 मीटर। और स्टेटमेंट आप लिखिएगा। इजी, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गाय वायर अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज अ स्टैक अटैच्ड टू द एंड। डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम पढ़े हो इसलिए आप ये इजी इजी छोटे छोटे वर्ड्स यूज करना आपको आते ही नहीं होंगे, आपको तो बड़े हाई प्रोफाइल वर्ड्स यूज करना आएंगे। अब गाय वायर मतलब क्या होता है? ये एक पोल है, ये एक पोल है जो ग्राउंड पे अटैच्ड है, ऐसा पोल। अब इस पोल को आपने इलेक्ट्रिक का वायर देखा होगा तो यहाँ पे ऐसे अटैच कर दिया, तो एसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? गाय वायर कितनी लेंथ है उसकी? 24 मीटर। वर्टिकल पोल ए बी क्या है? उसका पोल है, पोल जिसकी हाइट कितनी है? 18 मीटर। हाउ फार फ्रॉम द बेस मतलब हमें बी सी फाइंड करना है। बी सी को मान लेता है मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, सो दैट द वायर विल बी टॉट। अब देखो ये वायर अभी ये टॉट है। टॉट वायर किसको बोलते हैं पता है? इसको टॉट वायर बोलते हैं। ऐसा वायर हो इसको टॉट वायर बोलते हैं,
ऐसा वायर जो होता है ना, इसको हम वो स्लैक वायर बोलते हैं। स्लैक मतलब कि वो गुजराती में जिसको लबड़दा बोलते हैं उसको, ठीक है। तो हमें टॉट रहना चाहिए, टॉट मतलब उसको टाइट पकड़ के रखना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि भाई ये तो 90 डिग्री होगा, देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल सकते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी आपके पास है 24 का स्क्वायर, ए बी आपके पास है 18 का स्क्वायर, और आपको बी सी का स्क्वायर फाइंड करना है। 24 का स्क्वायर होगा 576, 18 का स्क्वायर होगा 324, और प्लस बी सी स्क्वायर। स्क्वायर भी याद रखने पड़ेंगे 30 तक के, तभी तो होगा, वरना कोई मतलब ही नहीं है। इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 576 माइनस 324, तो बीसी का स्क्वायर कितना होगा, 252। तो बीसी की वैल्यू होगी अंडर रूट 252। अंडर रूट 252 मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करोगे तो 126, 2 से डिवाइड करोगे तो 63, 252, 2 से डिवाइड करोगे तो 126, 2 से डिवाइड करोगे 63, 3 से डिवाइड करोगे तो 9 से डिवाइड करोगे 7, मतलब 3 2 6 √7, इसका आंसर आएगा 6 √7 मीटर। अब ट्राई करो अपने हिसाब से, आंसर आना चाहिए, स्टेटमेंट लिख लेना लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जेवियर्स वालों के एग्जाम थी ना उसमें था, 41 मिनट अभी, बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करते हैं, चलो कंप्लीट हो जाए। An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ में। एट द सेम टाइम एक बंदा, एक दूसरा प्लेन है वो फ्लाइज ड्यू ईस्ट, वेस्ट में जा रहा है। एक एरोप्लेन नॉर्थ में जा रहा है, एक एरोप्लेन वेस्ट में जा रहा है। नॉर्थ में जा रहा है उसकी स्पीड कितनी है, 1000 किलोमीटर पर आवर, और वेस्ट में जा रहा है उसकी कितनी है, 1200 किलोमीटर पर आवर। एक ही टाइम पे वो स्टार्ट हो रहा है, एक ही टाइम पे। तो देखो अभी जब स्टार्ट किया तो दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, बट 1.5 आवर के बाद, 1.5 आवर के बाद जो वेस्ट वाला है वो मान लेते हैं ए पोजीशन पे पहुंचा, और नॉर्थ वाला है वो बी पोजीशन पे पहुंचा, तब उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा ना, वो फाइंड करना। समझ में आया, समझ में आया। तो हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्लेन फ्लाइंग नॉर्थ, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो भी, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 1000, और टाइम कितना है 1.5 आवर। देखो टाइम कितना दिया हुआ है, 1.5 आवर, 1.5 आवर को आप क्या लिख सकते हो, 3/2 आवर लिख सकते हो, तो 3/2 इसको कट मारोगे तो कितना आएगा, 1500 किलोमीटर ट्रैवल किया। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्लेन फ्लाइंग वेस्ट, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ओए, स्पीड है उसकी 1200 इंटू टाइम, उसको भी 3/2 क्योंकि 1.5 बार के बाद ही हमें चेक करना है, तो इसका आंसर आएगा 1800 किलोमीटर। मतलब अब देखो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में तो 90 डिग्री होता है, और हमें ए बी फाइंड करना है, तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी बाय क्या बोल सकते हैं बेटा, बाय पाइथागोरस थियरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, और हमें ए बी फाइंड करना है। अब ओ ए कितना है आपका, ओ ए मेरे ख्याल से 1800 का स्क्वायर है, और ओ बी कितना है, 1500 का स्क्वायर है। अभी ये स्क्वायर हटा दूंगा, दूसरी साइड जाएगा तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा, 18 का स्क्वायर मतलब 324, 40, 15 का स्क्वायर मतलब 225 और 40, दोनों को ऐड कर दो तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 जीरोस तो रहेंगे, 5 and 4 9, 2 and 2 4, एंड 3 and 2 is 5, 549। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 549 into 10,000,
अब देखो 10,000 है वो रूट के बाहर कितना निकल जाएगा, 100 रूट 549। 549 को देखो 3 से आप डिवाइड करो, 3 से तो कितना आएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 183। वापस उसको 3 से डिवाइड करो, 61। तो इसका आंसर आएगा 300 रूट 61 किलोमीटर, क्योंकि रूट 549 है ना वो 61 × 9 होता है, तो 9 बार आएगा तो 3 हो जाएगा, तो ऑलरेडी 100 तो था, तो 300 रूट 61 किलोमीटर इतना डिस्टेंस रहेगा दोनों के बीच। क्लियर हो गया, पक्का? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो मुझे पता नहीं इतना पसंद है क्योंकि मोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। टू बॉल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। दो बॉल्स हैं, एक की हाइट 6 है और एक की हाइट 11 है। ये मान लेते हैं ए बी है और ये मान लेते हैं सी डी है। ये कितना है, 6 मीटर है, ये कितना है, 11 मीटर। अगर मैं इसको ज्वाइंट कर दूं ई, ये द डिस्टेंस बिटवीन द फिट ऑफ दोनों के बीच में डिस्टेंस है 12 मीटर, तो ये जितना है ए ई उतना ही होगा। बी डी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू 12 मीटर, फिक्स हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना पता है, दोनों के टॉप के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। दोनों के टॉप के बीच का डिस्टेंस मतलब ए सी, ये ए सी ए बी का टॉप और सी डी सी सी डी का टॉप, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप। तो ए सी इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप। अब है ना सबसे बड़ी बात, ए बी 6 है तो आपका ई डी भी कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। देखो ए बी जितना ए डी उतना ही हो जाएगा, लॉजिकल बात है। तो देयरफॉर सी कितना हो जाएगा, ये टोटल 11 था उसमें से इतना 6 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, 11 - 6 मतलब वो 5 मीटर हो गया। नाउ इन ट्राइंगल, तो ये तो 90 डिग्री होगा, सब सिंपल सी बात है। इन ट्राइंगल एईसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बेटा क्या होगा, हमें तो एसी फाइंड करना है। एसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बताओ बेटा ए सी स्क्वायर, ए हमारे पास कितना है, 12 का स्क्वायर, प्लस सी कितना है हमारे पास, 5 का स्क्वायर। तो 12 + 5 मतलब 144 प्लस 25 कितना होगा, 169, और 169 किसका होता है, 13 का, तो आंसर इज 13 मीटर। तो द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स इज 13 मीटर। क्लियर हो गया बेटा, इतना बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा तो इधर तक छोड़ देते हैं। हमारे चार पांच मेन क्वेश्चंस बाकी हैं और इसके बाद मैं आपको थोड़े बहुत नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करवा दूंगा, ताकि आप यहाँ थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए ले लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। आज के लिए लेक्चर हम इतना ही छोड़ रहे हैं, ठीक है बेटा? अच्छे से पढ़ाई करिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। ओके, टेक केयर।